गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ टाइम पहले मैं गया था उत्तराखंड के बहुत ही सुंदर सरयू वैली में। यहाँ मुझे कुछ बिल्कुल रिमोट गांव में रहकर यहाँ के लोकल्स के लाइफ के बारे में जानने को मिला और विलेजर्स के साथ मैंने आसपास के एरियाज भी एक्सप्लोर किए। राजमा ऐसे होता है? बिल्कुल। 5 दिन सरयू के विलेजेस में घूमकर अब मैं वापस आ पहुंचा हूँ बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यहाँ एक ब्रिटिश एरा के प्रॉपर्टी में आज थोड़ा रिलैक्स करके कुछ एक्सप्लोरेशंस के प्लान है। स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी सुपर फन। Hey everyone, my name is Antarik. I'm a 28-year-old Indian backpacking around the world, making friends and creating memories. 3 years and 7 countries later, अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। बिनसर सेंचुरी उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा टाउन से 20 किलोमीटर आगे है। 1988 में इस 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया था और इसके अंदर 6 विलेजेस आते हैं आज। We just arrived at Binsar Wildlife Sanctuary and we are staying at this absolutely lovely property. This is the Khali Estate. And this is located inside the wildlife sanctuary. The main building opens up to this brilliant view. अभी तो धूप बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ी देर में सनसेट होगा तो यहाँ से व्यू काफी सही आएगा। This way is the cottages and one of them is my room. So I'm going to take you to a room tour now. This is absolutely amazing. बिल्कुल प्योर जंगल के बीच में। I have an entire cottage to myself. Wow! I have never stayed in a place like this. So cool! This is the washroom. And the best part, view dekho yaar! यहाँ से पूरे कुमाऊं हिमालयस का व्यू दिखता है, इंक्लूडिंग नंदा देवी, द हाईएस्ट पीक लोकेटेड एंटायरली इन इंडिया। अभी थोड़े बादल हैं, लेकिन क्लियर हो जाएगा तो मैं दिखाता हूँ। तो अब हम जा रहे हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर एक गांव में, दलार, DALAR, yes. दलार। अच्छा, नीचे से ये लाइक दिस प्लेस हैपेंस टू बी दीपू भैया का घर एज वेल, तो हम दीपू भैया का घर भी देख लेंगे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कहाँ पे कब कौन से बाघ वाघ क्या नजर आ जाए जंगल के अंदर वॉक कर रहे हैं। दीपू भैया विलेज वेज के लिए काम करते हैं और इसी रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कंपनी के साथ आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ। बेसिकली विलेज वेज गेट्स ट्रैवलर्स टू दीज अनडिस्कवर्ड जेम्स सो दे कैन एक्सपीरियंस द विलेज लाइफ। एट द सेम टाइम द विलेज कम्युनिटी गेट्स टू अर्न एन एडिशनल इनकम बाय टेकिंग केयर ऑफ ऑल द गेस्ट नीड्स। And now I have arrived at the Dalar village, village ways guest house. This building is actually not as old as the ones where we stayed at Saryu Valley. This looks like a comparatively new building. This is the living room, dining room. There is a fireplace as well, including a bukhara, jaisa hume wahan pe har jagah dikha tha. And these are the bedrooms. Nice. So just like we saw in the Saryu Valley, even this house is managed by the Dalar village people here. Kya awesome location rehne ke liye. I wish we had more time and we could have stayed here.
But we are staying somewhere on those hills, Khali Estate, us side kahin pe to hai. और अब दीपू भैया अपना गार्डन दिखाते हुए हमें अपने घर पहुंचा चुके हैं. नींबू जी, नींबू ये वाले क्या है? ये हैंगिंग, मैंने वो नहीं बताया, ये गेठी बोलते हैं इसको, गेठी. अच्छा, क्या व्यू है, बहुत प्यारी जगह लग रही है मेरे को ये. थैंक यू. और मेरे पास बहुत सुपर यहाँ पे एक ऑर्चर्ड है, आप देख रहे हैं इसमें मेनी वेराइटीज हैं, मतलब पेड़ों की अलग अलग. दीपू भैया से जब हम 4 दिन पहले मिले थे तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने घर में गार्डन बनाया हुआ है, तो मैंने सोचा था हाँ छोटा सा होगा, यहाँ पे तो आके पता चल रहा है पूरा पहाड़ ही है. ये छोटा है. Huge yellow. This one, yellow one. Garden से निकला हुआ fresh खीरा. खीरा. Size देखो. पहाड़ी ककड़ी. ये आप taste कीजिए इसको. इनमें हाथ से बड़ा है. ये अभी छोटा है. So for lunch, we are back at Khali and almost everything on the plate here is from the garden here. और ये जो आप देख रहे हो, this is भांग की चटनी. तो ये अब देखते हैं, इससे चढ़नी नहीं चाहिए. आंतरिक को चढ़ जाएगी, आंतरिक will get high on भांग की चटनी. No bro, इसको हम चख के देखने वाले हैं कैसा है. ये तो मीठा है. Tasty. ठंड से बचने के लिए हम शाम को खली एस्टेट के मेन लिविंग रूम में फायरप्लेस में आग लगाकर बैठे थे और तब हमें इस प्रॉपर्टी की पूरी हिस्ट्री बताई गई, जिसमें पता चला कि 5 साल तक गांधीजी ने यहां अपना शैल आश्रम चलाया था. साथ ही हमने वो रूम देखा जहां जवाहरलाल नेहरू रहते थे. एंड गेस व्हाट, वी ऑल यूज्ड द टॉयलेट अटैच टू हिज रूम टू. सॉरी, फोटो लेना भूल गया. अगले दिन टाइम था वापस जाने का, लेकिन बिनसर से निकल के हमने 2 quick stopovers किए काठगोदाम पहुंचने से पहले. पहला अल्मोरा में रुककर यहाँ की पॉपुलर बाल मिठाई खाई. So this is the famous बाल मिठाई of अल्मोरा. और दूसरा I saw the signboard for Kechi Dham and there was no way I was not going to stop here because of the significance this place has. Steve Jobs aaya tha yahan pe 1970s mein. This is the ashram where he came to and he got enlightened. आश्रम के अंदर जाना और मंदिर में फोटोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं थे. बट एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट येट. टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक फ्रॉम अनदर प्लेस.